देख के जाना इधर। तो अगर बोला स्विट्जरलैंड गए तो जहां दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो सीन हुआ था कि अब पलटेगी पलट सिमरन पलट उधर ही खड़े हो जाएंगे। और भी जो कुछ भी चाहिए अगर बाबू जी का 1 करोड़ रुपए का चेक दिखाया है तो 1 करोड़ का प्रूफ देख के जाना खाते में आते कि नहीं आते। रेडी है? अब कई लोग ये सोच रहे हैं सर ये तो ठीक है चलो मान लिया लेकिन हमारा कैसे आएगा? कितने लोग ये जानना चाहते हैं हमारा कैसे आएगा? सारे लोग? तो 3-4 स्टेप है मैं बताऊंगा आपको कैसे आने वाला है। आपको समझना है, आपको सबसे पहली चीज अगर दमदार काम करना है तो मार्केट में 2 तरह के लॉबी है, 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट की रेट के चक्कर में क्वालिटी नहीं देखते, कूड़ा उठा लाएंगे लेकिन सस्ता मिलना चाहिए। हेलो, जहर उठा लाएंगे लेकिन सस्ता मिलना चाहिए। हेलो, और दूसरी वो लोग होते हैं जो क्वालिटी के चक्कर में रेट नहीं देखते, अच्छा मिलना चाहिए चाहे कितना भी महंगा हो। हेलो, अगर आपको बड़ा काम करना है अमीर बनना है जिंदगी में आपको उस सेगमेंट में काम करना है जो अच्छा खाना और अच्छा पहनना पसंद करते हैं। समझ में आ रहा है? मार्केट में ऐसे दोनों तरह के लोग हैं, अगर आप उनके पास चले गए जिनको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं सिर्फ सस्ता चाहिए भाई साहब आपके कपड़े भी उतरवा लेंगे फिर भी खुश नहीं हो सकते हो। उनको संतुष्ट करना न ममता दीदी के बस की बात है न नरेंद्र मोदी, कोई नहीं खुश कर सकता उनको। हेलो, आपको उस सेगमेंट में काम करना है जो मार्केट में एक अच्छी लॉबी है, अच्छा प्रोफाइल है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा खाते अच्छा पहनते। तैयार है? बड़ा काम करना है। एक तो ये चीज को आप याद रखिए। दूसरी बात, अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं और कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो आप अकेले मत रहिए, टीम बनाइए। क्या करिए? टीम। जिसके पास जितनी बड़ी टीम होगी उसके पास उतनी बड़ी तरक्की होगी। मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये कैमरा वाले भैया हैं, अभी अगर मान के चलो ये अकेले व्यक्ति रहेंगे तो अकेले के हिसाब से इनकम आएगी, लेकिन अगर ये 4 कैमरामैन रहेंगे तो क्या रहेगा? ज्यादा पैसा आएगा, बड़ी बड़ी पार्टी कर सकते, और 25-30 रहेंगे तो 25-30 कैमरे होंगे तो पूरा मीटर तान लेंगे, हैं? एक साथ 10-10 इवेंट ले लेंगे, हैं? फिर कोई नहीं होगा मालदा में, है अपने जलवा होगा, बड़ी टीम हो तो। यस या नो? तो ये होता है कि आप इंडिविजुअली रहते हैं तो एक सिंगल पर्सन है, लेकिन जब आप टीम बनाने लगते हैं तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लेते हैं, आप एक फर्म का रूप ले लेते हैं, आप एक इंडस्ट्री का रूप ले लेते हैं। और दोस्तों अकेले अकेले जिंदगी में आप कभी भी कितना भी मेहनत कर लो आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप अपने आप को टीम में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। एक व्यक्ति अकेला अगर टीचिंग करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल में पढ़ा लेगा, ट्यूशन कर लेगा, कोचिंग कर लेगा, लेकिन अगर वो टीम बना ले, अगर एक स्कूल की खोल दे, कॉलेज खोल दे, तो जिंदगी में वो बहुत आगे जा सकता है। और ज्यादा तरक्की करनी है तो वो यूनिवर्सिटी खोल दे तो वो और भी जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकता है। यस या नो? तो आज ट्रेडिशनल मार्केट में टीम बनाना बहुत महंगा है कि अगर आपको ज्यादा लोग चाहिए तो उनको सैलरी भी देना पड़ेगा, उनके लिए अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, लेकिन सेफ शॉप में अगर आपको बड़ी टीम बनानी है, सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, ये हमारा बातचीत करने का बिजनेस है, जो जितनी अच्छी और जितनी ज्यादा बातचीत कर लेगा वो उतनी बड़ी टीम बना सकता है, इस बिजनेस के अंदर उतनी बड़ी टीम बना सकता है। आपको समझ रहा है, टीम भी नॉर्मल नहीं बनानी है, आपको टीम दमदार बनानी है। हर तरीके के लोग हैं मार्केट में, आपको उनमें से दमदार लोग छांट के ज्वाइन कराने। खेल कैसा भी हो जीतेगा वही जिसके पास दमदार टीम होगी। यस या नो? तो एक टीम ऐसे रहते हैं ढाबा मास्टर, उनको कहीं भी ले जाओ ना ड्रेस कोड रहेगा, न टाइम पे आएंगे, न फोन उठा सकते हैं। और एक टीम होती है एकदम बढ़िया ड्रेस कोड वाली, टाइम पंक्चुअल और एकदम प्रोडक्टिव होते हैं, दमदार लोग होते हैं। आपको कैसी टीम बनानी चाहिए? आपकी ड्रीम टीम हो तो कैसी होनी चाहिए? बड़ा काम करना है तो आपको दमदार टीम बनानी है। और दमदार टीम किसके पास होगी? जो दमदार रिजल्ट निकालेगा, नए लोगों को भर्ती करता रहेगा, उसके पास नहीं जो ले दे के 1.5-2 आदमी ज्वाइन कराया उसके बाद फिर कुछ नहीं करेगा। दमदार टीम उसी के पास होगी जो लगातार भर्ती करता रहेगा, लगातार लोगों को रिक्रूट करता रहेगा। कांग्रेस क्यों हारी? कांग्रेस में एक से एक दमदार लोग है फिर भी हार जाती है, वो क्यों? क्योंकि वो नए लोगों को मौका नहीं दे रहे, वो वही काले रखते हैं पुराने हो।
वेबिनार बार बार क्यों बिक रही है? हर बार नहीं हो क्या करती है? हर बार नहीं हो क्या करती है? यस या नो? तो आपको अगर दमदार कुछ करना है तो आप अपनी टीम में नए लोग रिक्रूट करते रहिए, भर्ती कराते रहो। भारत में लोगों की कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। आपको रिजल्ट में फोकस करना है, लोगों की भर्ती करानी है। दमदार रिजल्ट किसके पास होंगे? दमदार रिजल्ट उसी के पास होंगे जिसका फोकस काम पे होगा, जिसका फोकस काम पे होगा। अलग अलग फोकस की बात होती है। कुछ लोगों का फोकस होता है मोबाइल पर, सेल्फी लेने पर, बस जिधर जाएंगे सेल्फी ले ले, सेल्फी ले ले, दिन भर सेल्फी लेते रहते हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते। अभी ये वाला स्टेटस, अभी ये वाला स्टेटस, उसे डीडी मिलेगी क्या? हेलो, कम कम आवाज आ रही है। मेरे को लोग बोलते सर आप अपना यूट्यूब चैनल बना लो, उससे पैसा आएगा। मैं सोचा मैं अच्छा चलो बना लेते, फिर मुझे लगा यार दिन भर उसी में लगे रहेंगे। क्या रतन टाटा को यूट्यूब से पैसा आते हैं क्या? मुकेश अंबानी यूट्यूब से अमीर बने क्या? हेलो, अपनी वैल्यू से ज्यादा है। अभी बिना यूट्यूब के दिन का 3 लाख आ रहा है, तो वहां काम करो जहां से दिन का 10 लाख भी आ सकता है। फोकस कहाँ है हमारा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकस। कई लोगों का फोकस होता है चौधराट पे, बंगाली में बोले दादागिरी, दादागिरी करना पसंद। कुछ नहीं, मेरी दादागिरी चलनी चाहिए। दादा काम वाम बाद में होगा, पहले दादागिरी होनी चाहिए। इधर मेरी हुकूमत चलेगी, पहले मेरे से सिग्नेचर कराओ तब कोई ऑर्डर पास होगा। तो काम हो ही नहीं सकता साहब। कई लोगों का फोकस होता है इलू इलू पर, इधर से बात ज्यादा टिकनी है, है? मन की बात वो तो मोदी जी करते हैं। फोकस की बात है। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग देखे, वो डायमंड बन सकते थे, उनमें टैलेंट था, लेकिन उनका फोकस कहां था? टीकू जी सोच रहे हैं। उनका बस ये रहता है किधर है मेरी चमेली, और कोई चमेली आती वो ढूंढती है कहां है मेरा रामलाल, है? टैलेंट है उनमें, बहुत गजब का टैलेंट है, कर सकते हैं, लेकिन फोकस होता ना। अप्लाई नगर समझाए टाइगर, ये सब चक्कर छोड़ो, पहले डायमंड। गुरुजी को कंपनी छोड़ सकता हूं, आपको छोड़ सकता हूं, चमेली को नहीं छोड़ सकता। कमाल तो तब होता है जब चमेली के मम्मी पापा साथ ही उसकी कहीं और ही कर देते हैं। फिर ना सेब सबके रहे ना चमेली के रहे। एक चीज परमानेंट है, कैरियर। कैरियर, हेलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज ये बना लो बाकी सब पीछे पीछे आ जाएगा। अब कैरियर अगर दमदार नहीं है ना, कितने भी बड़े अच्छे मुल्ला जी ने शादी कराया आपका, कबूल कबूल कबूल, वो भी छोड़कर चली जाएगी अगर कैरियर नहीं है तो। हेलो, कितने बड़े पंडित जी ने फेरे डलवाए, जेब में दमड़ी नहीं है तो बोले निकल गए। हेलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकस को चेक करो। आपके जीवन में प्राथमिकता क्या है? जब आप सुबह उठते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? कई लोग सुबह उठते सबसे पहले फेसबुक चेक करते, कौन मरा कौन जिंदा रहा चेक करते। फोकस कहां है? कितने लाइक्स आए? क्यों लफड़े में पड़े रहते हो? हैं? मैं तो अपनी फोटो अगर कोई डालता हूं तो खुद ही लाइक कर लेता हूं उसको, कोई करे ना करे मैं खुद ही पसंद कर रहा हूं भाई, फिर बाकी टेंशन नहीं रहती कोई दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। हेलो, आप अपने फोकस को सही जगह करिए। फोकस होना चाहिए काम पर। कहां पर होना चाहिए? कहां पर होना चाहिए? दुनिया में जितने महान लोग हुए उन्होंने अपने काम से प्यार किया है, और जिन्होंने काम से प्यार किया वही लोग महान हुए। मानते कि नहीं मानते?
आपको परमात्मा ने बहुत अच्छा काम दिया है सेफ शॉप में काम करने का। इस बिजनेस के माध्यम से आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ला सकते हो, तो इसे दमदारी से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? काम क्या है? काम है हमारे पांच बेसिक एक्टिविटी है, अगर आप दमदारी से ये कर लो, FIM QSE 8 Step Training Success Group Seminar और दिशा, इनका अच्छे से अगर आप प्रमोशन करके अगर ये कर लेते हो तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा आयाम, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। सबसे पहली चीज है FIM। जो भी व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन करता है उस हर व्यक्ति की फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग होनी चाहिए। FIM का रोल जस्ट लाइक एक वैक्सीन की तरह होता है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके टीकाकरण कराते हैं, ये सुनो, अगर वो ना कराए तो उसे कोई भी बीमारी लग सकती है, पोलियो हो सकता है और भी कुछ भी उसको बीमारी हो सकती है, यस या नो? ऐसे आपकी टीम में भी जो कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है उसकी भी वैक्सीन लगनी चाहिए। उसको पहले पता होना चाहिए कि आप फील्ड में जाएंगे तो आपको एक से एक बड़े सहागीर मिलेंगे, उल्टा समझाएंगे वो आपको, हेलो, पहले से अगर आपने तैयार कर दिया तो वो फील्ड में जाएगा तो उसको फिर नया नहीं लगेगा, कुछ अलग नहीं फील होगा, उसको मालूम है मेरे सीनियर ने पहले बता दिया था, यस या नो? और अगर FIM नहीं हुई तो कोई भी नेगेटिविटी का मच्छर उसको काट जाएगा, आज तक तो पॉजिटिव था, कल वो दिखाई नहीं दे रहा, कहां गया, उसको मच्छर खा गया, मर गया, गया ऊपर, फोन उठाना बंद कर देगा वो। टाइम पे FIM होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये किसकी जिम्मेदारी है? आपको कितनी भी दूर जाना पड़े आपकी जिम्मेदारी है। एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो उसकी केयर भी करती है, आप उसके अप्लाई ना, एक माँ का रोल आपको प्ले करना है। अगर चाहे वो बंदा इलाहाबाद से ज्वाइन हुआ है, आपको इलाहाबाद में जाकर के भी अगर FIM करना पड़े तो आपको जाना है। मैं भी तो मालदा में आया हूं, हेलो, अभी मैं अपना घर देख रहा था सुबह, तो यहां से 1400 किलोमीटर दूर है, तो वहां से हम यहां आ सकते हैं। आपकी टीम अगर वहां बनती है तो आपको भी जाना चाहिए कि नहीं? FIM करनी है ढूंढ ढूंढ के एक एक व्यक्ति को। उसके बाद QSE, अगर आप व्यक्ति को ज्वाइन होने के बाद कुछ सिल्वर एक्सप्रेस बना देते हैं, कोई उसे हिला नहीं सकता, वो पक्का कंफर्म डायमंड है। और QSE बनने के लिए क्या करना है? QSE बनने के लिए सिर्फ 3 लोगों को ज्वाइन कराना है, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक तीसरा व्यक्ति बुलसाई। अगर आप 3 लोगों को ज्वाइन कराते हो तो आपका चेक बनेगा 5,900 रुपए का, 3 लोग ज्वाइन कराने से। तो इसका प्रमोशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिस टीम में जितने ज्यादा लोग QSE बनेंगे वो टीम उतनी तेजी से तरक्की करेगी। लॉजिक समझिए, एक व्यक्ति को हो सकता है मेरे 20 लाख के चेक में भरोसा ना हो, उसे लगेगा नकली है, लेकिन अगर मैं उसका 6,000 का चेक बनवा दूं तो उसमें तो भरोसा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? फिर व्यक्ति को लगता है कि अगर 6,000 आ सकते तो 20 लाख भी आए होंगे, यस या नो? 10,000 रुपए दिए, 10,000 का प्रोडक्ट भी आ गया और 3 लोग ज्वाइन कराए, 6,000 रुपए नगद कैश आ गया, अब उसको कौन नेगेटिव करेगा बताओ? हमें सबसे पहली प्राथमिकता यही रखनी है कि जिस व्यक्ति की हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं उनको QSE बनाओ, हर हाल में उनका भूसा ही करना चाहिए। 3 लोग उनके डायरेक्ट रेफरेंस से ज्वाइन करा रहे हैं, कर सकते हैं? कर सकते हैं? कई लोग बताते भी नहीं है, भूसाई के बारे में बताना है, उनको समझाना है। भूसाई लगाने से, QSE बनने से आपको 4M मिलेगा। 4M जिंदगी में अगर मिल जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? पहले एम का मतलब है मनी। आपको 15 दिन में 5,900 रुपए कमाने का मौका, मनी। दूसरा एम मंच, आपको स्टेज पर बुलाया जाएगा, बड़ी बात है कि नहीं? आपको सैकड़ों हजारों लोगों के सामने मंच मिलता है, माला मिलती है। नॉर्मली आम आदमी को माला जिंदगी में 2 ही बार मिलती है, या तो रिटायर हो रहा तब या दुनिया से जा रहा तब। जीते जी माला पहनने का मौका और माइक, अपनी फीलिंग बताने के लिए माइक। यहां हमारे कई सारे टाइगर आए, उन्होंने अपनी फीलिंग बता रहे थे, मैडम भी आई, उन्होंने अपनी फीलिंग बताई। जनरली अगर जिंदगी में देखा जाए तो कब आदमी को अपनी फीलिंग बताने का मौका मिलता है? बीवी हस्बैंड की नहीं सुन रही और हस्बैंड बीवी की नहीं सुन रहा, कोई किसी की फीलिंग ही नहीं सुन रहा। कम से कम यह मौका तो मिल रहा है, आप अपनी फीलिंग माइक पर बता सकते हो, हेलो। 4M,
क्यूएससी बनने से मिलता है। कितने लोग बोलते हैं सर आज से इसका आंदोलन बना देंगे, हर बंदा जो ज्वाइन करेगा उसका 6000 का चेक जरूर बनेगा, आंदोलन बना देंगे। अगली बार प्रोग्राम होगा तो ये पूरा स्टेज क्यूएससी से भरा रहना चाहिए, इतने लोगों को क्यूएससी बना देंगे। रेडी है? और दोस्तों अगला स्टेप हमारा बेसिक ट्रेनिंग होती है, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, जिसको फ्राइडे ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसको एट स्टेप ट्रेनिंग बोलते हैं। आपको खुद को और अपनी टीम को इस ट्रेनिंग में जरूर लेकर के जाना है, क्योंकि ये वीकली ट्रेनिंग ही आपको डायमंड बनाएगी। आप जब वहां जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, मैं 2-3 चीजें उसमें से शेयर करता हूं। आपको वहां पे जानने के लिए मौका मिलेगा कि 100% सक्सेस चाहिए तो